हेलो एवरीवन, तो आज हम वर्ड मीनिंग की श्रृंखला में सीरीज में लेके आए हैं कुछ नए वर्ड इंग्लिश मीनिंग के साथ, और साथ साथ मैं आपको उनकी हिंदी भी बताती जाऊंगी। इंग्लिश मीनिंग मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में, जहां भी आप इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश वर्ड की मीनिंग इंग्लिश में ही पूछी जाती है, हिंदी में नहीं पूछी जाती। लेकिन याद करने के लिए हमें हिंदी वर्डों की मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो में हम आज 30 वर्ड कवर करेंगे, रोज़ करते आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और उन्हें 1 से 2 बार देखें याद करने के लिए। जब तक आप इसे बार बार रिपीट करके याद नहीं करेंगे, तब तक ये वर्ड याद नहीं होंगे और आपके हर एग्ज़ाम में इन्हीं वर्डों में से मीनिंग पूछे जाते हैं। तो कभी हम पढ़कर हम भूल जाते हैं, लेकिन जब सुनते रहते हैं, जैसे हम गाना सुनते हैं तो हमें गाना एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। हम उसे अलग से, हमें उसे याद करने के लिए टाइम देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। इसी तरह से हम इन वर्डों को भी याद करेंगे, चलते फिरते इन्हें सुनेंगे, तो हमें इन्हें अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमें हमारे एक्स्ट्रा अलग से काम के दौरान ही अपने आप याद हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें यदि आपके यूज़फुल होगी। और यूज़फुल होनी ही है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। वोकैब मीनिंग पूछ लेता है हर एग्ज़ाम में, जहाँ भी इंग्लिश आती है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज होता है डिलीट कैंसिल। एक्सपंज क्या होता है? हमारा डिलीट कैंसिल पहला वर्ड है हमारा एक्सपंज। और एक्सपंज क्या होता है? डिलीट कैंसिल। दूसरा वर्ड आता है हमारा एक्सटोल। एक्सटोल होता है प्रेज ग्लोरीफाई, यानी प्रशंसा करना। एक्सटोल क्या होता है? प्रेज ग्लोरीफाई। एक्सटोल क्या होता है? प्रेज ग्लोरीफाई। एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है इमिटेट फॉलो। एमुलेट क्या होता है? इमिटेट फॉलो, यानी किसी को अंदर से अनुसरण करना है, एमुलेट। फोर है हमारा एनहांस। एनहांस होता है इंक्रीज इम्प्रूव, सुधार करना या बढ़ाना, क्या होता है? एनहांस। एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज होता है सेपरेटेड, यानी अलग करना है, एस्ट्रेंज सेपरेटेड अलग करना। एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी होता है एडवाइजेबल प्रैक्टिकल, यानी प्रयोग करके या सलाहात्मक, क्या होता है? एक्सपीडियंसी होता है। एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस होता है नॉट एसेंशियल या एक्सटर्नल, क्या होता है? एक्सट्रेनियस नॉट एसेंशियल, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं हो और जो आवश्यक नहीं हो वो क्या होता है? एक्सट्रेनियस। एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट होता है गेट मनी बाई थ्रेट्स। गेट मनी बाई थ्रेट्स यानी डरा धमका कर मनी प्राप्त करना, क्या होता है? एक्सटोर्ट होता है। एक्सटोर्ट गेट मनी बाई थ्रेट्स यानी डरा धमका कर धन प्राप्त करना, क्या होता है? एक्सटोर्ट होता है। इवेसिव। इवेसिव होता है नॉट फ्रैंक अवॉइडिंग। इवेसिव क्या होता है? नॉट फ्रैंक अवॉइडिंग, यानी बिल्कुल असाधारण हो, कपटपूर्ण हो। फ्रैंक क्या होता है? असाधारण हो, और जो फ्रैंक नहीं है, बिल्कुल अवॉइडिंग नहीं है, वो क्या है? इवेसिव है, यानी कपटपूर्ण है, जिसमें कपट होता है वो क्या होता है? इवेसिव होता है, यानी नॉट फ्रैंक अवॉइडिंग। इन्यू। इन्यू होता है मेंटल बोर्डम, यानी विरक्ति। इन्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विरक्ति होता है, और इंग्लिश मीनिंग पूछा जाता है मेंटल बोर्डम। एक्सक्यूसाइट। एक्सक्यूसाइट होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। एक्सक्यूसाइट ब्यूटीफुल, अब आपके एग्जाम में ब्यूटीफुल तो देगा नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल तो हम डेली यूज में बात, वो क्या देगा? एक्सक्यूसाइट देगा और उसका मीनिंग पूछ लेगा ब्यूटीफुल। इनकोमियम। इनकोमियम होता है प्रेज, यानी प्रशंसा करना। इनकोमियम क्या होता है? प्रेज प्रशंसा करना। अब प्रेज आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, क्या आएगा? एनकोमियम आएगा। इरोड डिके। इरोड डिके हो यानी खत्म करना, डिके खत्म करना, इरोड करना खत्म करना। एरोडाइट। एरोडाइट होता है लर्नर्ड स्कॉलरली। एरोडाइट क्या होता है? लर्नर्ड स्कॉलरली यानी विद्वान, क्या होता है? एरोडाइट।
एस यू होता है अवॉइड गिव अप, त्यागना। एस यू क्या होता है? गिव अप, त्यागना। गिव अप तो हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब है त्यागना, और इसका वर्ड क्या आएगा हमारे एग्जाम में? एस यू आएगा। इपोज, इपोज पीरियड ऑफ टाइम या एरा यानी युग, इपोज। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी होता है कामनेस यानी शांति। इक्वानिमिटी क्या होता है? कामनेस, शांति। इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है ह्यूज, इमेंस यानी बहुत बड़ा। क्या होता है? ह्यूज, इमेंस। इसका एक सिनोनिम वास्ट भी होता है इनॉर्मस का। एंडेमिक, एंडेमिक होता है वेरी कॉमन यानी बिल्कुल साधारण। क्या होता है? एंडेमिक। एक्सपिएट, एक्सपिएट होता है एटोन फॉर यानी निवृत्त करना। एक्सपिएट क्या होता है? एक्सपिएट एटोन फॉर, निवृत्त करना। एम्बेलिस, एम्बेलिस होता है डेकोरेट, सजाना। एम्बेलिस आएगा एग्जाम में, डेकोरेट नहीं देगा, लेकिन हमें हिंदी मीनिंग भी इसके याद करना है, सजाना, एम्बेलिस। इकोलॉजी, इकोलॉजी साइंस ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होता है एनवायरमेंट, साइंस ऑफ एनवायरमेंट होता है इकोलॉजी। एग्रीगियस, एग्रीगियस होता है ऑफ मिस्टेक फेलियर। एग्रीगियस क्या होता है? ऑफ मिस्टेक फेलियर यानी बिल्कुल असफल या गलती से, एग्रीगियस। एक्सोडस, डिपार्चर लार्ज स्केल। एक्सोडस क्या होता है? डिपार्चर लार्ज स्केल यानी बहुत अधिक संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? प्रस्थान करना। क्या होता है? एक्सोडस यानी प्रस्थान करना, छोड़ना बहुत बड़ी संख्या में, एक्सोडस। इरेंट, इरेंट होता है अर्निंग फ्रॉम राइट पैथ। इरेंट क्या होता है? अर्निंग फ्रॉम राइट पैथ, अर्निंग फॉर फ्रॉम राइट पैथ यानी सही रास्ते से हट जाना। क्या होता है? इरेंट होता है यानी भटकना, और इसी के से मिलता जुलता वर्ड आया था इरेंट। इरेंट और इरेंट में केवल टी और डी का डिफरेंस है, लेकिन देखो शॉर्ट विजिट टू फेज, इरेंट क्या होता है? शॉर्ट विजिट टू फेज यानी दूतकर्म, यानी थोड़े दूतकर्म जो आप जानते हो, मतलब दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए जाना, किसी की बात पहुंचाने के लिए, वो क्या होता है? इरेंट होता है। और इरेंट होता है सही पथ से भटकना, भटकने वाला इरेंट होता है, भटकने वाला इरेंट होता है, लेकिन कहीं पर थोड़े समय के लिए जाना किसी का संदेश पहुंचाने के लिए, वो क्या होता है? इरेंट होता है। एरोनियस, एरोनियस होता है इनकरेक्ट, मिस्टेकन। एरोनियस इनकरेक्ट, मिस्टेकन यानी गलत, इनकरेक्ट, एरर। एन विशेष, एन विशेष होता है फोर्सी इन माइंड। एन विशेष क्या होता है? फोर्सी इन माइंड, एन विशेष फोर्सी इन माइंड। तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल अलग हटाना। क्या होता है? एन विशेष यानी फोर्सेस इन माइंड यानी अपने दिमाग में ही कल्पना करना, सोचना। क्या होता है? एन विशेष होता है कल्पना करना। फोर्सी इन माइंड यानी फोर्सी, फोर्सी देखना, कहाँ? दिमाग में, मन में देखना। मन में कब देखते हैं हम? जैसे कि इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो इमेजिन नहीं आएगा, एन विशेष आएगा आपके एग्जाम में। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट होता है मेक फ्री यानी मुक्त करना, इमेंसिपेट। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट होता है ग्लेयरिंग ओपनली विग्ड। फ्लैग्रेंट क्या होता है? ग्लेयरिंग ओपनली विग्ड यानी क्रूर, ये एक एडजेक्टिव है, ग्लेयरिंग ओपनली विग्ड। तो आप चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इसी तरह के वर्ड मीनिंग। इसमें आपके लिए एक मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं है, सीधे सीधे आपको कॉन्टैक्ट दिया गया है। और इसी तरह के वीडियो को आप प्लेलिस्ट लगाकर एक बार गाने की तरह, सॉन्ग की तरह याद कर लेंगे, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप हर एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो बने रहें चैनल पर कुछ नए 30 वर्ड और पाने के लिए।